स्पीकर के फैसले के खिलाफ पायलट गुट की याचिका पर राजस्थान हाईकोर्ट आज फैसला सुना सकता है। हाईकोर्ट के फैसले से पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात की। खबर है कि सीएम अशोक गहलोत विधानसभा का सत्र बुलाकर फ्लोर टेस्ट करवा सकते हैं। राजस्थान के सियासी संकट के बीच कांग्रेस के नेता अजय माकन ने विधानसभा में बहुमत का दावा किया। सचिन पायलट को हटाकर गोविंद सिंह को राजस्थान प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने वाली चिट्ठी जारी कर दी गई। सीएम गहलोत ने विधायकों की खरीद फरोख्त वाले ऑडियो के सही होने का दावा किया और जांच के लिए विदेश की किसी लैब में भिजवाने की मांग की। इस बीच केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर झूठी राजनीति करने का आरोप लगाया। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन की तारीख को अशुभ बताया। अयोध्या के कुछ संतों ने शंकराचार्य के बयान पर नाराजगी जताई और 5 अगस्त को अशुभ बताने को चुनौती दी। खबर है कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए 5 अगस्त को होने वाले भूमि पूजन पर रोक लगाने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दी गई। अयोध्या के विवादित ढांचा मामले में बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी लखनऊ की सीबीआई कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज बयान दर्ज कराएंगे। सरकार ने सेना में महिला अधिकारियों को भी स्थायी कमीशन देने की मंजूरी दे दी। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर बीजेपी पर विपक्षी सरकारों को गिराने का आरोप लगाया। WHO ने अगले साल की शुरुआत तक कोरोना की वैक्सीन नहीं आ पाने का अनुमान जाहिर किया। अंतर्राष्ट्रीय संस्था फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने एडवाइजरी जारी कर टिड्डी दल के बड़े हमले की आशंका जताई। आम आदमी पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया। गुजरात में स्कूलों की तरफ से ऑनलाइन क्लास बंद करने के फैसले के बाद राज्य सरकार ने खुद ऑनलाइन पढ़ाई का जिम्मा उठाया। चुनाव आयोग देश की 57 सीटों पर होने वाले उपचुनाव पर आज आखिरी फैसला लेगा। यूपी और बिहार समेत 7 राज्यों की 8 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को 7 सितंबर तक टाल दिया गया। हरियाणा सरकार पंचायत चुनावों में महिलाओं को 50% आरक्षण देगी। एयर इंडिया ने कुछ कर्मचारियों को बिना वेतन छुट्टी पर भेजने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, जिसके बाद अब कर्मचारी 6 महीने से 5 साल तक छुट्टी पर भेजे जाएंगे। कोरोना महामारी की वजह से हुए नुकसान की भरपाई के लिए एयर इंडिया कर्मचारियों की छटनी नहीं करेगा। झारखंड में कोरोना से जुड़े नियम तोड़ने पर 2 साल की जेल या 1 लाख का जुर्माना लगेगा। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तान की तरफ से भारतीय चौकियों पर फायरिंग की गई, जिसके जवाब में भारत ने पाकिस्तान की 2 पोस्ट को तबाह कर दिया। जम्मू कश्मीर के नौशेरा में सेना ने घुसपैठ कर 8 आतंकी मार गिराए। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल चांदनी चौक में विकास के कामों का जायजा लेने पहुंचे, लेकिन वहां कई लोगों ने जरूरी दूरी के नियमों की अनदेखी की। दिल्ली में मरकज केस से जुड़े करीब 400 विदेशियों को उनके पासपोर्ट लौटा दिए गए, जिसके बाद अब वो अपने देश जा पाएंगे। केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने राज्यों को अंत्योदय अन्न योजना में दिव्यांगों को शामिल करने का निर्देश दिया, ताकि दिव्यांगों को 35 किलो अनाज प्रति परिवार हर महीने मिल सके। JNU ने कोरोना की वजह से छात्रों को MPhil और PhD से जुड़ी रिसर्च ऑनलाइन जमा कराने की मंजूरी दे दी। दिल्ली एयरपोर्ट से 12 लाख से ज्यादा की विदेशी सिगरेट जब्त की गई। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे कोरोना की वजह से 27 जुलाई को अपना 60वां जन्मदिन नहीं मनाएंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने अपने आवास पर पौधा लगाते हुए एक अभियान शुरू किया। UPSDF ने कानपुर गोलीकांड में फरार आरोपी और विकास दुबे के करीबी शिवम दुबे को चौबेपुर से गिरफ्तार कर लिया। कानपुर मुठभेड़ मामले में बिल्लौर से बीजेपी विधायक भगवती प्रसाद ने DGP ऑफिस पर सवाल उठाया और दावा किया कि उनकी शिकायत पर कार्रवाई होती तो 8 पुलिस वालों की हत्या नहीं होती। उत्तर प्रदेश सरकार ने कंटेनमेंट जोन के बाद मौजूद शराब की सभी दुकानों को खोलने की मंजूरी दे दी। यूपी बोर्ड ने 9वीं और 11वीं के लिए इंग्लिश की किताबों में बदलाव करते हुए विदेशी लेखकों की जगह भारतीय लेखकों को जगह देने का फैसला किया। पटना में JDU MLC मनोरमा देवी के पति बिंदी यादव की कोरोना की वजह से मौत हो गई। बिहार के गोपालगंज में गंडक नदी पर बना रिंग बांध टूट गया, जिससे आसपास के दर्जनों गांव में बाढ़ का पानी घुस आया। मध्य प्रदेश में कांग्रेस विधायक नारायण पटेल विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो गए। एम्स पटना में कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे नर्सिंग स्टाफ ने हड़ताल की और वेतन बढ़ाने समेत दूसरी सुविधाओं की मांग उठाई। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बताया कि उन्हें राम मंदिर भूमि पूजन के लिए अब तक न्योता नहीं मिला। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद अस्पताल में भर्ती हो गए। जयपुर की अदालत में कॉपरेटिव सोसाइटी घोटाला मामले में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ जांच के आदेश दिए। भोपाल में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए 24 जुलाई से 4 अगस्त तक लॉकडाउन लागू कर दिया गया। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने रक्षाबंधन और ईद पर भोपाल में लॉकडाउन लगाने का विरोध किया। राहुल गांधी ने पीएम मोदी के पास चीन से निपटने की कोई योजना नहीं होने का दावा किया और उन पर सिर्फ अपनी छवि पर ध्यान देने का आरोप लगाया। झारखंड में 3 विधायकों और कुछ कर्मचारियों को कोरोना होने के बाद विधानसभा 31 जुलाई तक के लिए सील कर दिया गया। बीजेपी नेता मुरली मनोहर जोशी ने अयोध्या मामले में लखनऊ की सीबीआई कोर्ट में अपना बयान दर्ज कराया। महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना की वजह से मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव फिर 3 महीने के लिए टाल दिया। सरकार ने बताया कि वंदे भारत मिशन के तहत विदेश से 7,88,000 भारतीय देश लौटे।
बिहार के मुंगेर में जमीनी विवाद में दो पक्षों के बीच मारपीट, जिसमें 3 लोग घायल हो गए। मध्य प्रदेश के रीवा में एक सब इंस्पेक्टर को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। पंजाब में अकाली दल के विधायक लखबीर सिंह लोधी नंगल और उनके बेटे को कोरोना हो गया। कोरोना के बढ़ते मरीजों को देखते हुए उद्धव सरकार ने मुंबई के धारावी और मालेगांव में प्लाज्मा बैंक खोलने का फैसला किया। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस को ट्विटर पार्टी बताया। केरल कैबिनेट ने कोरोना के बढ़ते मरीजों की वजह से विधानसभा सत्र रद्द करने का फैसला लिया, जो सोमवार से शुरू होना था। पंजाब में कोरोना नियम तोड़ने पर 5,000 का जुर्माना वसूला जाएगा। असम हाईकोर्ट ने राज्य की जेलों में बंद कोरोना मरीजों का इलाज करवाने का निर्देश दिया। तमिलनाडु सरकार ने कोरोना संकट के बीच कॉलेजों की परीक्षाएं रद्द कर दी और फाइनल ईयर के छात्रों को छोड़कर सभी को बिना परीक्षा पास करने का फैसला लिया। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में एक कार नाले में जा गिरी, जिसमें एक ही परिवार के 5 लोग डूब गए। कोलकाता समेत कई इलाकों में लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने के लिए पुलिस ने ड्रोन का इस्तेमाल किया। मौसम विभाग ने 28 से 30 जुलाई तक उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। राज्यसभा के नए सदस्य ज्योतिरादित्य सिंधिया को शिक्षा मंत्रालय की समिति में शामिल किया गया। पुणे और नासिक में शराब घर तक पहुंचाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका पर अदालत ने सुनवाई से कर दिया इनकार। भारतीय विदेश मंत्रालय ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान ने कुलभूषण की पुनर्विचार याचिका दाखिल करने पर अड़ंगा लगाया। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में रिहायशी इलाके में कोरोना अस्पताल बनाने का कुछ लोगों ने किया विरोध। रोहतक में हरियाणा बीजेपी के नए अध्यक्ष ओपी धनखड़ के ताजपोशी कार्यक्रम में एक आदमी ने खुदकुशी की कोशिश की। केंद्र सरकार ने जनरल फाइनेंशियल ईयर रूल यानी कि GFR 2017 में बदलाव किया, जिसके बाद चीन की कंपनियां सरकारी टेंडर में आसानी से हिस्सा नहीं ले पाएंगी। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में इमरान सरकार ने 200 साल पुराने एक गुरुद्वारे को 73 साल बाद सिख समुदाय को सौंप दिया। पाकिस्तान के पेशावर में भीड़ भरे बाजार में हुए एक बम ब्लास्ट में 20 लोग बुरी तरह जख्मी हो गए। ब्रिटेन में दुकानों पर मास्क नहीं पहनने पर 9,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। चीन ने मंगल ग्रह के लिए अपना पहला रॉकेट लॉन्च किया। भारत और ब्रिटेन के बीच आर्थिक मुद्दों पर आज बैठक होगी, जिसमें वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल भी लेंगे हिस्सा। ह्यूस्टन के जिस चीनी वाणिज्य दूतावास को अमेरिका ने बंद करने के लिए कहा है, वहां आग लग गई, जिससे कई दस्तावेज जल गए। अफगानिस्तान के हेरात में तालिबान के एक ठिकाने पर हवाई हमला हुआ, जिसमें 8 तालिबानी आतंकियों समेत 45 लोगों की मौत हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत रिकॉर्ड 50,600 रुपए के पार पहुंच गई। 1 किलो चांदी की कीमत 60,000 को पार कर गई। RTI में दावा किया गया कि पिछले साल 18 सरकारी बैंकों में 1.5 लाख करोड़ की धोखाधड़ी हुई। रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों में फिर तेजी दर्ज की गई, जिससे 13 लाख करोड़ मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली देश की पहली कंपनी बन गई। बाजार पूंजीकरण के लिहाज से देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज दुनिया की टॉप 50 कंपनियों में शामिल हो गई। पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने BCCI पर IPL आयोजित करने के लिए T20 वर्ल्ड कप रद्द कराने का आरोप लगाया। इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के बीच तीसरा और आखिरी टेस्ट मैनचेस्टर में आज से खेला जाएगा। सरकार खेल पुरस्कारों पर जल्द नियमों में बदलाव कर सकती है, जिसके बाद इस साल की तरह एथलीट हर बार अपना नामांकन खुद खेल मंत्रालय को भेज सकेंगे। मोहम्मद अजहरुद्दीन ने IPL टीमों में विदेशी कोचों की बजाय भारतीय कोचों को ज्यादा मौका देने की अपील की। पाकिस्तान के गेंदबाज मोहम्मद आमिर की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई, जिसके बाद वो इंग्लैंड में टीम के साथ जुड़ेंगे। पंजाब सरकार ने पैरा एशियाई खेलों में पदक जीतने वाले 3 खिलाड़ियों को सम्मानित किया। बांग्लादेश टेस्ट मैच में खेलने के लिए अक्टूबर में श्रीलंका का दौरा कर सकती है। भारतीय ओलंपिक संघ ने अगले साल टोक्यो ओलंपिक्स खेलों का आयोजन होने की उम्मीद जताई। ICC ने कोरोना की वजह से क्रिकेट विश्व कप और अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप की क्वालिफायर सीरीज टाल दी। फिल्मी हस्तियों के पाकिस्तान और ISI कनेक्शन के दावे पर महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख ने उचित कार्रवाई का भरोसा दिया। खबर है कि सलमान खान के शो बिग बॉस 14 के लिए एक्ट्रेस नेहा शर्मा और नागिन 4 की एक्ट्रेस जैस्मिन भसी ने संपर्क उनसे किया गया। फिल्मी दुनिया में भाई भतीजावाद विवाद पर नगमा ने कंगना रनौत के बयानों को लेकर उन पर निशाना साधा। फिल्म एक्टर सोनू सूद ने किर्गिस्तान में फंसे UP और बिहार के कई छात्रों को उनके घर पहुंचाया। सोनू सूद ने मजदूरों को काम दिलाने के लिए एक ऐप लॉन्च किया, जिसमें 500 से ज्यादा कंपनियां जुड़ी हुई हैं। राजस्थान सरकार ने कोरोना की वजह से सभी तरह की शूटिंग पर रोक जो लगाई थी उसको खत्म कर दिया। मुंबई पुलिस ने सुशांत खुदकुशी मामले में निर्देशक रूमी जाफरी का बयान दर्ज किया। सुशांत केस में मुंबई पुलिस ने कंगना रनौत को मनाली में समन भेजा और इस केस में अपना बयान दर्ज करवाने को कहा। महाराष्ट्र में निर्माताओं की एक संस्था ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की और 65 साल से ऊपर के कलाकारों की शूटिंग पर लगी रोक को हटाने की मांग उठाई। पंजाब सरकार ने शूटिंग की मंजूरी दे दी, लेकिन 50 से ज्यादा लोगों के जुटने पर रोक लगा दी गई। अमिताभ बच्चन ने अपनी सेहत से जुड़ी चल रही कुछ खबरों को गलत बताया।